राज्य अर्थमंत्री जो बजेट उपस्थापन कर 1921-22 मसीहाई से बजेट गोटे स्पष्ट चित्र देखती निजस्व आय मात्र 57,000 कोटी टंका राजस्व जो आदाय करा जाए था अण टिकस बाबत 20,000 एवं टिकस बाबत 37,000 कोटी टंका राज्य आकलन करिछि किंतु अधिक निर्भरशील 43,000 कोटी टंका ऋण उपरे एवं पाखापाखि 70,000 कोटी टंका केंद्रीय अनुदान एवं केन्द्रर जो आवंटन प्रक्रिया ता उपरे निर्भरशील होइछि जदि सेगुड़िक मिलला तेबे आमे बजेट्र व्ययबराद को स्वीकार करिबा जदि सेगुड़िक न मिलला ताहले आमे जानिबा जे बजेट्रे जहाँ कहा जाइछि ताहा केबे ही खर्च हो पारिबो नाही एवं कोठी ना कोठी काट छांट करिबाकु पड़िबो से सबु दृष्टिरु विचार कले आमे ए बजेट्र आकलन खर्च एक निर्भरशील आय उपरे निर्भर करे। द्वितीय कथाटी होउची व्ययबराद को सब तनातन कर देखिले निज पिठी निजे थापुड़े पारंती मुख्यमंत्री बा तांका सरकार बा अर्थमंत्री किंतु यह एक दुर्भाग्यर आउ एक माइलस्टोन आउ गोटे खुंट पोता हला ओडिशार दुर्भाग्य ओडिशार अस्थिरता जो थे राजनैतिक प्रक्रिया कौन हम मुझे कथा कहूना अर्थनैतिक प्रक्रिय बेकारी बढ़िबो बेकारी समाधान कौन सी सूत्र भितरे नाही कृषि एवं जलसेचन जिते जहाँ घोषणा करिसंती विशेष किसी लाभप्रद हेबना स्वास्थ्य प्राथमिक स्तर में मजबूत हेबना सशक्त हेबना कारण से जहाँ सब अभाव रही पूर्ण दिगरे बजेट्र कौन ठोस खबर ना बजेट्रे कौन से भल भाव चित्रण चित्रित करना ठीक सेमती प्राथमिक शिक्षा उजुड़ी जाइए प्राथमिक शिक्षा को सजाड़ापाई कि स्वतंत्र कार्यक्रम बा ठोस व्ययबराद क्यों क्यों बाबत रहा कथा रखा जाए ना एवं जो थे से आमर प्राथमिक शिक्षा जदिओ राज्य सरकार दायित्व आम एक स्मरण कर दौ प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा हूँ राज्य सरकार पूर्ण दायित्व कृषि राज्य सरकार पूर्ण दायित्व कृषि क्षेत्र में विशेष किसी करना बोली आम एवर्ष इकोनोमिक सर्वे देखीचु एवर्षर उपस्थापित इकोनोमिक सर्वे राज्य सरकार स्वीकार कर कृषि बाबत आमर अभिवृद्धि गोटे घाटा गोटे पतन गोटे तलमुखी हो सेतबले कोरोना नथाई मध्य ए अवस्था उपजी ए वर्ष आहुरी ता घटिब मु आगुरु मु कोनसी ज्योतिष शास्त्र धरिकरी कहू ना मु आगुरु कहूँ कारण एथरे जो गणित पार्टी अच्छी ताकू अनुशीलन कर फलित कथाटी कहूँ एक स्पष्ट अच्छी जे जिते गुड़े कल कारखाना बंद होजे सरकार स्वीकार कर विधानसभा 3,257 मध्यम अणु एवं क्षुद्र शिप ए कोरोना समय रे बंद हो जानेक लोक चाकरी हरई उधार करने कौन ठोस कार्यक्रम एम पूर्व बंद होता चीनिकल सूताकल तेलकल कागजकल आपणकर लुगाकल तार पुनरुद्धार एणसी व्यवस्था ना एणु कौन सी भाव ओडिशार युवक मानी चाकरीर कथा निजुक्तिर कथा आदौ ना कहले चले संकोचन हो एक दुर्भाग्य आणकर दब राज्यपैकी राज्यर आय व्यय आय कला बेले गोटे बड़ घाटा गोटे बड़ धरणर भटा पड़ब अन्य एक कथा हेउची स्वास्थ्य शिक्षा कृषि एवं ये सब सहित आउ गोटे बड़ कथा आम पाखे जो पैसा अच्छी अफ बजेट माने आमर राज्य जो आणुवा मिनरल डेवलपमेंट फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड एवं आपणकर आम जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टंका फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन टंका फॉरेस्टर जंगल क्षयशक जनित टंका से टंका गुड़िक सदुपयोग कला बेले लक्ष्य करा जाउची से सब अंचल रे डबलिंग खर्च
ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅଛି, ସେଆଡ଼େ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ରଖିବାର ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବଜେଟ୍ଟି ଆମ ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଆଶାଜନକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବା ଆଶାଜନକ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ନିରାଶାର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ, ତାର 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବଜେଟ୍ଟିକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ବଜେଟ୍ଟି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହତାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲାବେଳେ ଏ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତେ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିନ୍ଦୁକ ନୁହେଁ, ଋଣ କରିବାର ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଋଣ କରନ୍ତୁ, ଋଣ ଜନତା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ି ଋଣ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଋଣ ଜନତାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଣୁଥିବା ଋଣର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାର 70% ବାଟ ମାରଣା ନ ହୋଇଯାଉ, ଆଣୁଥିବା ଋଣକୁ କନଜପ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବା ଉତ୍ପାଦନମୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ଦିନର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।